पाक अफगान बॉर्डर पर पुलिस और तालिबान में मुठभेड़, कई लोगों की मौतों की खबर। दो महीने पहले फायरिंग में मारे गए थे 7 पाकिस्तानी। पटना में पार्किंग विवाद में दो लोगों की मौत के बाद हिंसा, आरोपी के गोदाम मैरिज हॉल में आग लगाई, पथराव के बाद पुलिस ने की फायरिंग। यूएस के हवाई में दिखा बैलून, 50,000 फीट ऊपर उड़ रहा था। 5 फरवरी को अमेरिकी सेना ने 3 स्पाई बैलून मार गिराया। सिंधगुट ने असेंबली ऑफिस पर दावा ठोका, उद्धव बोले हमारी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह छिन गया है लेकिन ठाकरे नाम छिन नहीं सकता। म्यूनिक काउंसिल में भारत के साथ जर्मनी, जयशंकर ने कहा था यूरोप की समस्या दुनिया की समस्या नहीं, जर्मन चांसलर बोले हम इससे सहमत। चारधाम यात्रा से पहले जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर फिर दिखी दरारें, 10 जगह सड़क धसी, 10 किलोमीटर के दायरे में कई जगह रोड टूटे। नॉर्थ कोरिया ने 48 घंटे में दागी दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल, जापान की समुद्री सीमा में गिरी यूएस साउथ कोरिया मिलिट्री ड्रिल के बाद टेस्ट किया गया। जेडीयू से अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा, नई पार्टी बनाई, बोले नीतीश पड़ोसी के घर उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं, पार्टी को गिरवी रख दिया। तुर्की और सीरिया में 46,000 से ज्यादा मौतें, तुर्की में ज्यादातर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, सिर्फ 2 राज्यों में सर्च ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर ईडी का छापा, कांग्रेस का आरोप महाधिवेशन डिस्टर्ब करने की साजिश। सीरिया को अलग थलग करना गलत, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर बोले कभी तो उनसे बातचीत करना पड़ेगी, रिफ्यूजी क्राइसिस हल करना जरूरी। चंडीगढ़ हरियाणा में कर्मचारियों का हल्ला, बोल पुरानी पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन, पंचकुला से लेकर चंडीगढ़ तक कूच। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन पहुंची वाराणसी, काशी विश्वनाथ धाम में किया दर्शन, गंगा में किया दीपदान। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर, पहली बार यूक्रेन पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे राष्ट्रपति जो बाइडेन। बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से की मुलाकात, इटावा बेकाबू कार ड्राइवर से टकराई पलटी, हादसे में 2 मजदूर समेत 3 लोग घायल।